सारण जिले के मसरख प्रखंड में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से लोगों का तबीयत बिगड़ रहा है और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक दो लोग यहां पे भर्ती हुए थे और उन दोनों को बेहतर चिकित्सीय परामर्श के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी मसरख प्रखंड में ही लगभग 36 लोगों का जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी थी और काफ़ी भयावह स्थिति हो गई है। कहीं ना कहीं इस मामले में जो शराब व्यवसायी हैं मान नहीं रहे हैं और शराब बेच रहे हैं और लोग शराब पी रहे हैं। अब आज की स्थिति के बारे में आपको बताएं तो आज दो व्यक्ति हैं, एक सत्येंद्र राय जी और एक ढोड़ा जी, इन दोनों लोगों का जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी चली जा चुकी है और यहाँ पे जो चिकित्सक मौजूद हैं उन चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया गया और उनको बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जो शराब पिए हुए थे ढोड़ागिरी, उन्होंने बताया कि उन्होंने शराब का सेवन किया था जिसमें उनके साथ दो लोग शराब पिए थे, दोनों लोगों की तबीयत बिगड़ चुका है और दोनों लोग फिलहाल पीएमसीएच बेहतर चिकित्सा परामर्श के लिए रेफर किया जा चुका है। छपरा से धनंजय कुमार। रुको ना आप लोग, रुको लौकता कि ना भाई लौकता का है, दिखाई दे रहा है। अच्छा का है, का है, का है, का है नहीं नजर आ रहा है। क्या हुआ है, क्या लिए थे? चप्पल थे, शराब पिए थे? कहाँ पे पिए थे? मसरख है, मसरख वाला मसरख वाला है ना। अच्छा हम करते नहीं, वो शराब वाला कांड हो गया, ठीक बात। भुवनेश्वर भुवनेश्वर अब इससे तो मुंह तो तोड़ दो सब एकदम, बुझा नो लखनपुर लखनपुर। क्या हुआ है? दारू पिए लोग। कहाँ दारू पी लिए? लखनपुर में पियाजू राय का घर। कौन कौन पिया था, कितने लोग पिए थे? हाँ भाई खाली पिए ले रहे। उसके बाद क्या हुआ, दारू पीने के बाद क्या हुआ? कब पिए थे दारू? हम दारू सुबह पिए ले रहे। आज सुबह? ना तीन दिन पहले मंगलवार। अच्छा फिर क्या परेशानी हुई? हमारा आँख से कम लोग के लगे। कब से? उस दिन शाम से। अभी क्या दिक्कत है? अभी आँख से नहीं खेल। और क्या परेशानी है? कपार में दर्द। साथ में और कौन पिया था? और एगो पिए ले रहे पियाजू राय। क्या नाम है उसका? पियाजू राय था। वो कहाँ कराने वाला है? वही लखनपुर बेचे वाले। उनको क्या हुआ है? अब उनको आँख से ना लगता था। शराब कहाँ से मिला था? उन्होंने पकड़ी मोड़ से लिया वाला। रोज लाते हैं? हाँ। वो बेचने वाला है कि? बेचने वाला। बेचते हमेशा शराब? हाँ। क्या नाम है उनका? पियाजू राय। ठीक है, क्या मामला है? वो कमजोरी और डिमनिस विजन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जा रहा है जी। और आई वाले सर को बुलाकर ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? तो वही डिमनिस विजन, मतलब विजन विजन। कितने पेशेंट आए थे अभी तक? एक मॉर्निंग में आया था, एक अभी आया। दोनों लोगों को ऐसी प्रॉब्लम थी?
हाँ वही तो शराब पीने की बात आ रही थी, शराब का सेवन किया उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। वो मरीज बोल रहा है, हिस्ट्री दे रहा है वैसा कुछ क्या, है। क्या हिस्ट्री बता रहा है मरीज? वो बोल तो आप सबके सामने बोला ही है कि कॉल कर। और क्या समस्या है लोगों को? अब देखिए अब सर आ रहे हैं, आई वाले सर वो चेक करेंगे उसके बाद से देखिए आँख का इशू है, कमजोरी वगैरह एक मशरक का है, दोनों मशरक का है, एक इसके पहले वाले मशरक का ही था। अभी रेफर किया गया अभी तक रेफर किया गया कितने लोगों को? एक सुबह में हुआ है। इसको क्या रेफर करने की अभी? आँख वाले सर से दिखवा लेते हैं उसके बाद से कॉल गया है। अस्पताल में है, तुम डॉक्टर अर्जुन कुमार? डॉक्टर अर्जुन कुमार सर, अर्जुन कुमार जी।